ओके हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों तो देखिए, शादी के बाद आज मैं पहली बार घूमने आई हूँ। कहाँ आए हम लोग? एडवेंचर आयरलैंड। हम आए हुए हैं एडवेंचर आइसलैंड और मेट्रो वॉक। हाँ, तो हम यहाँ आए हुए हैं, तो अभी आपको भी दिखाते हैं। मैं आई हूँ इनके साथ बाइक पे और अभी हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए, कंटिन्यू रहिए मेरे ब्लॉग पे लास्ट तक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आए हुए हैं रात को। तो जो रात का यहाँ का व्यू है दोस्तों, वो काफ़ी प्यारा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, काफ़ी लाइटिंग भी है और यहाँ पे देखिए काफ़ी शोरूम टाइप के भी हैं। और ये देखिए, जैसे कुर्तियाँ भी ऐसे लगी हुई हैं सेल पे, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी शॉप्स हैं अंदर, क्योंकि ये मोस्टली सिर्फ जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उन लोगों के लिए होती है। तो ये काफ़ी महंगी शॉप होती है यहाँ पे। जैसे देखिए, कुर्तियों के जो प्राइस होंगे काफ़ी हाई होंगे। हमने तो लेनी भी नहीं है, तो हम पूछ भी नहीं रहे हैं। और ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, प्लाजो, कुर्तीज़, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेडी बियर्स हैं। तो देखिए, बच्चों के पर्पज़ से भी खिलौने हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोग रात को ही घूमने आते हैं, जैसे कि आप भी देख रहे होंगे। और ये देखिए, यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक का सामान भी दिख रहा है। और देखिए, गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे पूरा फुवारा ओपन हो जाता है। अभी देखिए काफ़ी, अभी तो हम फरवरी के टाइम पे आए हैं, तो अभी ठंडा है, इसलिए यहाँ पे फुवारा नहीं खुला हुआ है। लेकिन अभी जैसे गर्मी होती है, यहाँ पे सारा फुवारा है जो ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, तो काफ़ी देखिए दुकानें हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं उधर। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ सामान है, जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह ही हैं, नेकलेस पेंडेंट टाइप के, कुछ ईयरिंग वगैरह लगी हुई है। और देखिए, बच्चों के लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ भी हैं। ये देखिए, बच्चे इसमें खेलते हैं, बैठ के घूमते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय यहाँ पे घूमने आना। फैमिली के साथ आओ तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे भी इंजॉय कर पाएंगे और आप लोग भी। बहुत प्यारा यहाँ पर घूमने की जगह, तो आप भी घूम सकते हैं बहुत अच्छे से, साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छा खासा। तो देखिए, ये भी घूम रहे हैं मेरे आगे आगे, मुझे ये घुमा रहे हैं, क्योंकि मैं तो नई हूँ, तो ये मुझे घुमा रहे हैं। कह रहे उधर चल, तो देख के आते उधर क्या है। ये तो आते रहते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो हम उधर जा रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ पे शायद सफाई हो रही है, तो अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आके। देखो, अभी चलते हैं आगे की तरफ। सामने कुछ तालाब टाइप की है, तो हम उसे भी देख के आते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैटी, ये देखो, तो ये है यहाँ पे छोटी सी तालाब। और यहाँ पे देखो, काफ़ी प्यारे से रेस्टोरेंट हैं, लेकिन हमने तो घर जाके खाना है। खाना हमने डिनर पे जाना है, यहाँ से जाने के बाद बुआ जी रोक गया, तो हम लोग ऐसे घूमना है। देखिए, वो सामने एरोप्लेन है, इसके अंदर भी लोग, ये एक रेस्टोरेंट है। तो देखिए, ये है एडवेंचर आइसलैंड का गेट, क्योंकि अब हम बाहर को आ चुके हैं। जाते वक्त मैं ब्लॉग स्टार्ट करना भूल गई थी। और देखिए, सामने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे खिलौने, सर्कस गाड़ियाँ हैं, इसमें बच्चे बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, अभी तो ये खाली है, कुछ बच्चे बैठे हुए शायद। तो देखिए, बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, अपना आप लोग अंदर घूमिए और बच्चों को यहाँ पे आराम से खेलने दीजिए। मेट्रो वॉक यहाँ का नाम है। तो देखिए दोस्तों, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोग भी रोहिणी में रहते हैं, तो आप लोग भी आइएगा यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। तो देखिए, व्यू भी काफ़ी प्यारा है। तो अभी हम लोगों के जाने का टाइम हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम घूम फिर के आ चुके हैं रोहिणी में, और रोहिणी पे हम लोग कुछ खाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मे बी शायद हमने रोल चाप मंगाए हैं, कुछ ऐसे टाइप से कुछ लेने गए हुए हैं। सारी दुकान है जहाँ पे इन्होंने खाने का ऑर्डर किया है।